हेलो एवरीवन, दिस इज़ AK22। आप सभी का स्वागत है आरएल क्राफ्ट के एक और एपिसोड में। और पिछली रात को ब्लड मून था और बहुत सारे क्रीचर्स स्पॉन हुए हैं और उसी के साथ साथ एक और महाशय स्पॉन हुए हैं। इधर ये देखो, इधर खड़ा हुआ है ये फेराडॉन है। और रैप्टर भी हुए थे पर रैप्टर डी स्पॉन हो गए और कम से कम दो या तीन चार फेराडॉन आसपास इस घर के आसपास स्पॉन हुए थे ढेर सारे। और रैप्टर्स भी हुए थे पर मुझे रैप्टर्स को पकड़ना था पर मेरे पास बीस्टली वो नहीं था। और मुझे इसके लिए इसको टेम करने के लिए देखो यहाँ पर मैंने इसका एक वो भी बना के रखा है ताकि ये बाहर ना जाए। उधर से भगा कर लेकर आया हूँ मैं इसे और इधर पकड़ के रखा है। बाप रे, दो तीन बार तो मेरे ऊपर कूद गया है। और अच्छी चीज़ ये है कि हमें एक्सपी बहुत सारा मिला कल रात में। और इसे टेम करने के लिए आपको ट्रीट बनानी पड़ती है, बीस्ट ट्रीट, क्योंकि ये बीस्ट में आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्टेक्स चाहिए रहता है। अब देखते हैं कितने स्टेक्स में ये टेम होगा। और मुझे सबकी एक वो बना के रखनी पड़ेगी ट्रीट, कौन कौन से जानवर को कौन कौन सी ट्रीट लगती है। तो मैं इससे ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा इससे पहले कि ये डी स्पॉन हो जाए। ठीक है, तो मुझे बीस्ट ट्रीट, बीस्ट ट्रीट ये रही। ओके, तो इसके लिए आपको चाहिए रहते हैं चॉप, क्या कहते हैं, सॉरी, स्टेक्स चाहिए रहते हैं और बोन्स चाहिए रहती है। पांच स्टैक्स और स्टेक्स और दो बोन्स, इससे एक चार ट्रीट बनती है। और मुझे लगता है रैप्टर के लिए भी यही चाहिए रहेगा। हेलो, यू वांट दिस? Do you want this, boy? Oh shit! Oh boy! खा भी रहा है। Wants more, he wants more. Okay. ठीक है भैया, खा ले पर मुझे मत खाना तू। अरे यार, और बनानी पड़ेगी। Shoots, सारे निकालो। पता नहीं कितनी खाएगा ये। चार और, आठ बना लिए। नाइस। ब्लड मून में मैंने देखा है, उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम ब्लड मून आया था तब इतने क्रीचर स्पॉन नहीं होते थे पर अब बहुत अच्छे अच्छे स्पॉन्स होते हैं और रैप्टर भी स्पॉन हुआ था। मैं इंतजार कर रहा हूँ नेक्स्ट ब्लड मून कब आएगा। ओह, यू हैव गेन नॉलेज रैंक 2 फेराडॉन, चेक योर बीस्ट्री सीम्स टू लव यू नाउ। नाइस बॉय, आखिरकार हमने फेराडॉन टेम कर लिया। गुड 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 गुड। देखो मेरे पास सैडल है। नाइस, वो डायमंड आर्मर भी है हमारे पास, पहना दिया। वो बिना सडल किसको राइड कर सकते हैं क्या? होली, क्या बात है। अच्छा, उसके ऊपर सडल का ऑप्शन दिख रहा है। नाइस, ये हुई ना बात। हमने एक और बीस्ट टेम करा, ये हमारा दूसरा बीस्ट है और इसके पहले हमने हिप्पोग्रिफ टेम करा था पर वो दूसरे मॉड पैक में आता है। और ये जो है ये दूसरे, हाँ हाँ हाँ, मैं इस पर वो यूज़ कर सकता हूँ। रुको, सोल स्टोन मैं इसके ऊपर यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये दूसरे मॉड पैक का है। तो ओके, स्टे हियर, जस्ट स्टे हियर। मेरे पास सोल स्टोन रखा हुआ है एक, क्योंकि मैं उसको हिप्पोग्रिफ पे ट्राई करा था पर उस पर मैं नहीं पकड़ पा रहा था, मैं उसको, मतलब कि वो उस पर काम नहीं कर रहा था। कहाँ रखा है मैंने, ये रहा सोल स्टोन। नाइस, अब ये मरेगा भी तो मैं से बट हो गया क्या? ओ नाइस, राइट क्लिक करके पढ़ना पड़ता है, शिफ्ट दबा के। योर फेराडॉन हैज बीन बाउंड विल नाउ टू योर माउंट मैनेजर। नाइस, अब देखो बीस्ट है ये तो स्पॉन हो जाते हैं पर हिप्पोग्रिफ को किधर जाता है, किधर जा रहा है, इधर उधर नहीं जाने का। इसको शायद मैंने वॉन्डरिंग पे करके रखा हुआ है और मैंने बहुत सारी चेंजेस भी करे हैं। मैं इसको अंदर रखता हूँ और कैसे करते हैं, हाँ, पेट्स में जाना है हमें, पेट्स, माउंट्स, फेराडॉन, ये वॉन्डरर फॉलो पे, सिट पे करो, पैसिव नहीं डिफेंसिव पे रखते हैं, PVPS करके रखा है। ठीक है, नाइस, बैठ गया, गुड बॉय। पर इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम नहीं रहती है, 26 ही हेल्थ है इसकी। ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम इसकी हेल्थ बढ़ा सकें। इसके पास आर्मर बना सकते हैं क्या इसको? देखो मैं
वैसे हाँ इसकी हम इन्वेंट्री नहीं कर सकते, ये दूसरे मॉड पैक का है इसलिए इसको इसकी इन्वेंट्री हम चेक नहीं कर सकते। और एक और चीज़ कि हमारा मैंने बहुत सारी चेंजेस करे हैं, ये देखो ये वाला नया रूम बनाया है, दो एन्चेंटमेंट टेबल भी लगा दिया है। और ये रहा हमारा ग्रिफिन, मैंने इसको यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है इसको वापस आप समन नहीं कर सकते, और ये मर गया तो समझो गेम ख़त्म, फिर गेम ख़त्म मतलब कि इसका गेम ख़त्म, और फिर हमें न्यू ग्रिफिन पकड़ना पड़ेगा। इधर टॉर्चेस बुझ रही है इससे पहले कि कुछ स्पॉन हो, वापस लगा दो। और एक और चीज़ है ये कंट्रैप्शन, मैं बताऊँ कंट्रैप्शन क्या, ये फार्म जो है मैंने क्यों बनाया है, हम सो जाते हैं पहले। ओके तो देखो मैंने क्या क्या, ये वाला केव पूरी बंद कर दी क्योंकि यहाँ पर माउस ऑन होने लग जाते हैं, और माउस आके आपके क्रीचर्स हैं जो मकड़ियाँ क्या मुर्गियाँ हैं और दूसरी चीज़ों पे हमला करने लग जाते हैं, इसलिए मैंने पूरी ये जो माइनिंग हम कहीं और दूसरी जगह रखेंगे जो हमारे घर से पूरा दूर हो। और यहाँ पर मैंने स्टोन्स के लिए फर्नेस बना के रखा है, मैं इसमें लावा बकेट डाल के इसको स्मेल्ट करते रहता हूँ, ठीक है। यही सबसे अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हैं इसमें कि बिना ज़्यादा फ्यूल गवाए स्मेल्ट करते रहो। और मैंने ये वाला रूम बनाया है एक नीचे वाला, और यहाँ पर हमारा एन्चेंटिंग रूम है, इससे मैंने दो एन्चेंटमेंट्स करे हैं, एक मुझे फॉर्चून थ्री नहीं मैंने अपनी तलवार पे करा है जिसमें मुझे लूटिंग 3 मिला था, कहाँ गई मेरी सॉरी, ये रहा। और लाइफ स्टील बेन ऑफ ऑर्थ ऑफ 5 मिला है, नाइस। और लाइफ स्टील का मैंने अभी देखा नहीं है, लाइफ स्टील कैसे काम करता है, मतलब कि आप इसको मारते हो तो आपका हार्ट बढ़ता है, आपका एचपी बढ़ता है उनके एचपी से, उनका एचपी कम होगा आपका एचपी बढ़ेगा। और ये देखो एफिशिएंसी 4 और फॉर्चून 3 की मैंने शवल एन्चेंट करी है, और मेरे पास देखो कितना एक्सपी था, ब्लड बूम ने मेरे को कितना सारा एक्सपी मिला है, हमारी एक्सपी टोम एक पूरी फुल हो चुकी है, और सेकंड एक्सपी बुक भी हमने बना ली है और उसको भी मैं फिल कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और ये वाली जो है एक काम करते ना, मेरे पास गेट एक बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि मैं अपने बीस्ट्स को यहाँ पर बिठा सकूँ, यहाँ पर लेकर आ सकूँ, एक स्टेयर्स ऊपर से लेकर आनी पड़ेगी मुझे, शिपा काबरा घूम रहा है उधर, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बनाया है, ये मेरा चिकन फार्म है, चिकन फार्म नहीं ये फेदर फार्म कह सकते हो, क्योंकि मैं इसमें से चिकन से ज़्यादा फेदर फार्म करने वाला हूँ। ओके बापरे यहाँ पर चिकन हो जाएंगे। और फेदर मैं क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका राज बताता हूँ, मैं कंट्रैप्शन बनाने वाला हूँ जो वहाँ पर ड्रैगन्स के लिए, बहुत ही सिंपल कंट्रैप्शन है पर बहुत इफेक्टिव है बड़े बड़े ड्रैगन्स को मारने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मुझे क्या बनाना है, देखो मेरे पास शवल ये है, ग्रैवल है, अब मैं ग्रैवल से, आपको तो पता ही होगा ग्रैवल से जब आप फॉर्चून 3 की मदद से माइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है फ्लिंट, और एक फ्लिंट और फेदर और स्टिक्स से जो आप रखते हो तो आपको 4 क्या मिलते हैं, 4 एरो मिलते हैं। तो मैं को जो कंट्रैप्शन बनाना है उसके लिए मुझे चाहिए है 6 डिस्पेंसर और ढेर सारे एरोस, और मैं उसको कहाँ पे लगाने वाला हूँ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको कैसे यूज़ करना है। तो इसलिए अभी मैं फार्म कर रहा हूँ ढेर सारे चिकन्स जितने हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे एग्स भी आए हैं, और जितनी जल्दी मैं इनको मारूंगा, अभी शायद इसमें छोटे बच्चे भी हैं क्या, नहीं है, तो इसमें से ढेर सारे फेदर्स ड्रॉप होंगे और इससे मुझे काफ़ी सारा एक्सपी भी मिल जाता है, देखो। और फिर जो भी मेरे पास एग्स रहते हैं मैं वापस यहीं पर फोड़ देता हूँ इनको। और मैंने इसमें लूटिंग 3 भी है मेरे पास, तो इसमें से ड्रॉप मुझे 100% मिलता ही है। ये वाला पूरा फुल हो गया है, इसमें भी आ गए फेदर्स, और गिफ्ट्स भी ड्रॉप करते हैं, ये 4 गिफ्ट्स ने ड्रॉप करे हैं, तो मेरे पास एग्स बहुत सारे, मुझे पानी पीना पड़ेगा, पानी क्या था, क्या बॉटल्स रखी हुई है पर हम बिना बॉटल के पी कर आएंगे। साले इसने मुझे एक बार मार चुका है, मुझे छिपा काबरा, पी लिया क्या पानी, ठीक
ठीक है, तो मेरे पास फॉर्चून 3 है, तो इससे मैं ढेर सारे एरोज बना सकता हूँ और इजी है ये। स्टिक रखो, फेदर और फ्लिंट। अब देखते हैं 10 से कितना बनता है। 10 से हमारा बनेगा कितना, 40। यप, आराम से। तो हमारे पास बहुत सारे एरोज आ जाएंगे और जो कंट्रैप्शन है उसमें शायद कितने 2-3 स्टैक एरोज ही लगते हैं अगर आपको ड्रैगन को मारना है तो। और वो कैसे मारना है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, ठीक है। अभी मुझे मेरे जो फेरेडॉन है इसके लिए जगह सोचनी पड़ेगी कि ये मरे ना। वैसे तो हम इसको वापस समन कर सकते हैं। और मुझे जो चीज़ें मिली थी लूट में ये रही, तो इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये देखो टूल बेल्ट है अनडाइंग क्वालिटी का, तो इससे मैं लगा सकता हूँ इसमें। इससे क्या मिलता है, और मेरे पास एमुलेट्स हैं 2, अनलकी लक -2 है। इससे क्या होता है, एंड पोशन रिंग है। कहाँ गई, ओके। तो ऐसी रिंग्स मुझे चाहिए हैं जो मैं बना सकूँ। ये शायद क्रिएट नहीं कर सकते हैं या क्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, ये शायद ड्रॉप्स में ही मिलती है। फ्लाइंग रिंग, ये रही रिंग्स, पोशन रिंग, पोशन रिंग ऑफ स्पीड, ओके। तो ये काय की थी, वाइल्ड पोशन रिंग। इनको बना सकते हैं। अच्छा, पोशन रिंग चाहिए रहती है आपको, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रिंग है, जंप बूस्ट है, और काय काय के देखें, स्पीड है, हेस्ट है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए रहता है, और जंप बूस्ट नहीं चाहिए, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी अच्छा, रीजनरेशन की हो तो मज़ा आ जाए, पर रीजनरेशन की कौन सी रिंग है, रीजनरेशन रिंग ये वाली है, तो इसके लिए नेदर स्टार चाहिए रहता है। पाप रे, रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस देता है ये, इसके लिए 1 ब्लॉक ऑफ डायमंड और 4 डायमंड चाहिए। अच्छा, ये बेस रिंग है, पोशन रिंग बेस रिंग है, एमरल्ड रिंग नहीं। तो मैं स्पीड, हेस्ट, रेजिस्टेंस, जंप बूस्ट, स्ट्रेंथ, रीजनरेशन बना सकता हूँ, पर रेजिस्टेंस थोड़ी सस्ती है, रीजनरेशन तो काफ़ी महंगी है, इसके लिए नेदर स्टार है। नेदर स्टार की क्राफ्टिंग रेसिपी होगी नहीं इसमें। वैसे मुझे एक विदर हेड तो मिला था, DHER, ये रहा, नेदर स्टार की नहीं है। एक विदर हेड तो मिला था मुझे, पर अभी नेदर में हम जाएंगे ना तो मरेंगे वहाँ पर जाके सीधे, ओके। और इसको क्या कहते हैं, जैक्ड टूल बेल्ट, अच्छा एक टूल बेल्ट है, ओके। बेल्ट शायद एक ही रहता है इसमें, एक ही बेल्ट है। देन पेंडेंट, पेंडेंट कौन कौन से, ओके। डैमेज प्लस आर्मर वाई एट फुल हेल्थ ग्रांट्स यू डैमेज प्लस आर्मर, अच्छा ये सिल्वर, गोल्ड, पर्पल, जेड, रुको इसमें देखते हैं, क्राफ्ट कर सकते हैं गोल्डन क्राउन, ओ रूबी चाहिए रहता है। रूबी अभी तक मुझे मिला नहीं है माइनिंग में, एक भी रूबी नहीं मिला है। उसके बाद सिन पेंडेंट चाहिए था, ये नॉर्मल पेंडेंट है, इससे आप दूसरे पेंडेंट बना सकते हो। अच्छा, एक क्राफ्टिंग कंपोनेंट है, इसके लिए गोल्डन एप्पल क्या, इससे मिलता है डैमेज प्लस आर्मर, तो मैं ये वाला तो बना सकता हूँ। केक, 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 केक नहीं है, नो केक, केक मुझे बनाना पड़ेगा। अच्छा ये वाला है ना,
पर ये अनलकी है, ये अच्छा वाला नहीं है एम्यूलेट। रुको, बाकी क्राफ्टिंग रेसिपी देखते हैं एम्यूलेट्स की। ओके, स्टोन ऑफ द सी तो मैं उसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ। चलो अब मैं ब्लड मून का वेट करूँगा और नेक्स्ट ब्लड मून आएगा उसमें हम उसको मारने की कोशिश करेंगे। तो मैं ढेर सारी ये बना लूँगा, बीस्ट ट्रीट। ओके देन, ये क्या बोल्ट चार्ज है, इसको रखो, इसमें रखो इसमें। और अब हम गिफ्ट्स ओपन करते हैं। बो को इसमें रखो, बाकी जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो मैं ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब हमारे पास काफ़ी सारे वो आ गए हैं, को इसमें रखो सबको। एरोज़ काफ़ी सारे आ गए, एंड पर्ल, नाइफ, नाइफ इसमें से इसमें डालो। एरोज़ मेरे पास अभी कितने पड़े हैं, इसमें भी 36 पड़े हुए हैं। सो जाता हूँ मैं। ओके, तो हमने आर्मर पहन के रखा है क्या, पहने आर्मर, ये वाला पहन के जाते हैं और बाहर जाते हैं और हमारे बीस्ट को लेके जाऊँ क्या मैं, बीस्ट को लेके जाते हैं फिर ओपन करते हैं, देखते हैं कितना डैमेज देता है, क्योंकि ये मर भी गया तो मैं वापस से टेम कर सकता हूँ। चलो इससे, इस पे बैठ के आप शूट भी कर सकते हो। नाइस, ड्रॉप करा क्या इसने, और लैपिस, गुड, उनको ऊपर डालो। अभी मुझे सिर्फ बूस्ट चाहिए, वैसे पानी पी के आता हूँ मैं। रुको, मुझे इसको अग्रेसिव पे रखना पड़ेगा तभी ये हमला करेगा उस पर। पेट्स, इसका असिस्ट करते हैं, पीवीपी, यस, ओके, फॉलो, नाइस। अब दूसरा प्रेजेंट ओपन करता हूँ। ये क्या है, पिज्ज़ा, मॉय मॉस पाई है, पिज्ज़ा नहीं है। ये इतने अच्छे नहीं करते हैं। वैसे मैं अगर ये करूँ तो इसमें मुझे ज्यादा लूट मिलेगी, क्योंकि हमारा शेयर कैसा हमला करता है इस पर। वैसे जब ये मारेगा ना फेराडॉन इनको मारेगा तो लूट मिलेगी नहीं इतनी। वो मुझे एक हार्ड क्रिस्टल मिला, नाइस। चलो और लेकर आते हैं, पहले ये मैं अंदर रख दूँ, जितनी भी चीज़ें मिली है मुझे रैंडम स्टफ्स। इसका मॉस पाई का क्या करना है पता नहीं। नहीं, हार्ट्स कहाँ रखे, इसमें रखते हैं। मैं 5 लेकर जाता हूँ, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है लूट में। चलो हमारा नाइस, माँ का मीट खाओ और प्रेजेंट ओपन करो बस। हमारा ये सामान लेगा, बात है, नाइस। ऐसा होना चाहिए कि इनको भी कुछ हम पहना सके, एमुलेट या रिंग। डोंट ओपन दैट वन। ये क्या है, तो मेरे शेर को ही मार देगा, तो डैमेज भी मिल रहा है बड़ा। सॉल्टी ट्री इतना बड़ा,
प्लस वन एक और हिट आया। गुड, क्या दिया है इसने? ओ भाई, चलो इसका रीजनरेशन होता आएगा। कुक्ड मीट भी खिला सकते हैं इसको। नाइस, इसको ऊपर डालो। हो गई इसकी हेल्थ फुल? हाँ हो गई, मैं भी खा लेता हूँ, थोड़ा बूस्ट मिलेगा हमें। एक और मुझे जाने दे। मुझे मेरे बो को और पावरफुल बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें अभी पावर वन ही है, तो ये बहुत कम डैमेज देता है। मेरा शेर ना मरे बस। अरे क्या, चलो इससे कुक्ड मीट से इनको हम जनरेट करा सकते हैं आराम से। इनकी हेल्थ काफ़ी सारा लूट मिल गया है। ओकुड मुझे 100 भी बनानी है ताकि मैं ईजिली वो निकाल सकूं। क्या कहते हैं? अरे यार, हम वो लेकर आते हैं स्टाफ ताकि मैं समन करा सकूं हमारे हार्ट रिवाइव करने के लिए जो टूटे हुए हैं। तो समन करते हैं हम। कहाँ गए ये? चलो इससे हो जाएगा अब, क्योंकि इसमें टारगेट लोकेशन आपका रहता है। अगर आपकी हेल्थ पूरी फुल है और आपको दो हिट भी अगर फेस पे पड़ गई सीधी डायरेक्ट, तो आप मर जाओगे। ये आपके हाथ दोनों हैंड्स डैमेज हुए तो माइनिंग फटीग मिलता है, और फिर आपके डैमेज होते हैं तो फिर आप दौड़ नहीं सकते। पूरी फुल हेल्थ होने दो। नाइस, मैं ये खाता हूँ और अपने शेर को इधर बुलाता हूँ। और साले इसको क्या हुआ? इसको तो कुछ तो मारा हो। अब ये जो एक्सपी इतना मिला है, इतना मैं स्टोर करके आ जाता हूँ हमारी एक्सपी बुक में। एक पूरी फुल हो गई है, तो इसमें 30 लेवल्स आप स्टोर कर सकते हो, और इसमें भी 16 लेवल्स आ गए। नाइस, अब निम्फ के पास चलता हूँ, थोड़ी सी हेल्थ देगी मुझको ये। गुड, नाइस, ओके, गुड। चलो ये फुल हो गई, हमारे पैराडाउन की भी फुल हेल्थ है। थोड़ा सा पानी पी के आते हैं, इसलिए जो भी केव्स दिखती है ना, उनको आप जितनी जल्दी हो सके बंद कर देना, क्योंकि उसमें से रैट्स निकल निकल के आते हैं, और वो आपके एक और क्रीचर है जिसका नाम पता नहीं है मुझे, वो भी बाहर निकल के आता है वहाँ से, और वो आपके जो पेट्स रहते हैं उन पर हमला करता है सीधे आके। डू यू थिंक यू आर गोइंग? It's defensive assist follow. Okay, hello, you got monsters. Don't open that one. Nice, तो काफी अच्छी ability है इसकी देखे जाए तो। Emerald डालो, इसमें डालो, इधर मेरे पास arrows खत्म हो गए, 4, 40। Okay, तो अब last 5 open करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में मेरा पूरा फुल हो जाएगा। मैंने
रिपीटर्स भी बना दिए हैं। रिपीटर्स इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं आपको, डिस्पेंसर्स लगते हैं और एरो ढेर सारे और रेडस्टोन डस्ट और रेडस्टोन टॉर्चेस। बर्गर बल्वर्क बर्गर नाइस। बाहर निकलने पैरालाइसिस कर देते हैं। नहीं, मेरी वहां पर स्वॉर्ड पड़ी हुई है। आ गई इसने, उड़ा दिया मेरे टाइगर को। उसको उस तरफ जाने दो। इधर आ जा। इस तरफ आएगा नहीं है। अभी मुझे मेरा बस सामान उठाना है वहां से। नाइस, मिल गया। मर जाएगा ये। में इन्फिनिटी आ जाए तो मजा आ जाए। नाइस, पोशन बॉटल ड्रॉप करिए इसमें। अब जल्दी से अंदर निकल लो। कुछ और नहीं, नाइस। अभी बाकी की प्रेजेंस हम बाद में खोलेंगे। मुझे इम्यूनाइजर मिला है और ये देखो मेरे पास एक विदर स्केलेटन हेड पड़ा हुआ है और ये हम इसमें डाल देते हैं। पेंडेंट रिंग और ये सब वाइल्ड पोर्शन रिंग अभी किसी भी काम की नहीं है क्योंकि इसमें हमको एलिमेंट्स जोड़ने पड़ेंगे तब जाके वो काम करेगी। तो अभी ये आयरन पाइक भी है मेरे पास पर इसका क्या यूज़ है पता नहीं। और इसे रखो इसमें। नाइस, ओके। तो मैं वापस से स्पॉन कराता हूँ हमारे, पर अभी इसको रीस्पॉनिंग के लिए टाइम है शायद। ये जब भी मरते हैं ना तो ये वाला जो मीटर रहता है इसको रीस्पॉन, जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, पूरा फिल नहीं होगा जब तक आप आपके पेट्स को, कोई सा भी पेट हो जो मरता है, उसको वापस रीस्पॉन नहीं कर सकते। ये इसलिए रहता है क्योंकि आप बार बार उसको स्पॉन ना कर पाओ फटाफट से, इसलिए। और शायद कोई ऐसी ऐसी चीज़ रहती होगी जिससे हम इसको, इसका समनिंग रेट है, रीस्पॉनिंग रेट वापस से बढ़ा सकें। ओके, तो मुझे अब ये पेंडेंट और मिलेट्स और बेल्ट बनाने पड़ेंगे अच्छे वाले, ताकि मैं इनको इक्विप करके थोड़ा हमें पावर मिले। ये देखो अभी मेरे आर्मर पे मिल तो रहा है पर किस चीज़ का मिल रहा है वो शायद अच्छा बेल्ट का दिखा रहा होगा क्योंकि ये दोनों तो क्राफ्टिंग कंपोनेंट ही हैं बस। अभी हुआ नहीं, अभी भी बाकी है। ओके, तो इस एपिसोड में इतना ही। अब अरे हाँ, इससे हम टारगेट भी कर सकता हूँ ना मैं। रुको, अग्रेसिव इस पे करें, उस कैली खड़ा उसके पास करते धो दिया उसको।
तो आप जितनी देर तक उसको होल्ड करके रखोगे उतने वो चार्जेस इक्विप कर लेता है, वहाँ पर जितने भी मॉब्स रहेंगे ना उन सबको मार डालेंगे वो दोनों। यार मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, वो लड़ रहे हैं चारों की चारों। ये निम्फ को भी मारते हैं, ओके हर उस मॉब को मारते हैं, यानी हर किसी मॉब को मारते हैं, ज़रूरी नहीं है वो अच्छा हो या बुरा हो। और अग्रेसिव पे करके रखा है, ये देखो आ गया हमारा फेरेडॉन। योर डिस्ट्रक्शन एक्शन ऑफ द एलिमेंटल इज ड्राइंग ए कैओटिक एनर्जी, ओके। और ये कुछ सेकंड्स के बाद यानी कुछ मिनट्स के बाद वापस से डीस्पॉन हो जाते हैं, ओके। तो वो इस एपिसोड में इतना ही, अब नेक्स्ट एपिसोड में मेरा कंट्रैप्शन पूरा करूंगा और जो हमारा ड्रैगन है उसके पास जाएंगे और वहां पर लगा के उसको कैसे आप इजीली मार सकते हो, सिर्फ आपके पास एरोज और कुछ रेडस्टोन और डिस्पेंसर होने चाहिए, ठीक है। और होपफुली वो अंडा ड्रॉप करे, फीमेल हुआ तो लेवल 4 का, तो अगर अंडा भी ड्रॉप करेगा तो हम फिर एक ड्रैगन को टेम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ड्रैगन को टेम करना रहता है तो बिना अंडे के आप नहीं कर सकते, आपको वाइल्ड ड्रैगन को टेम नहीं कर सकते। अगर आपको टेम करना है तो आपको अंडा लेना पड़ेगा, फिर अंडे में से जो भी ड्रैगन हैच होके निकलता है उसको आपको ट्रीट्स खिलानी पड़ती है, और ट्रीट्स खाने के बाद वो फिर टेम हो जाता है, और फिर ट्रीट्स खा खा के वो बड़ा भी होता है, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में आरएल क्राफ्ट के, और देखते हैं ये क्या हो रहा है। यार का एमटी बताता है, क्योंकि इसमें मैंने ऑप्टिफाइन का जूम करके रखा है पर उससे हो नहीं रहा है, मुझे देखना पड़ेगी सेटिंग्स, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, अंटिल देन सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।